किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वैज्ञानिकों ने इजाद की ग्वार की नई किस्म, आधुनिक तकनीक से रुकेगी गोदामों में अनाज की बर्बादी। खेत कम हो तो ले सह फसली खेती से लाभ, और लीची की चार नई किस्में विकसित। अब कृषि समाचार विस्तार से। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने ग्वार की ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें रबी और खरीफ की फसल के बीच में गर्मी के दौरान इसकी फसल ली जा सकेगी। आमतौर पर ग्वार को खरीफ की फसल माना जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वार की यह किस्म अपने आप में अनूठी है और इसमें रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है। RGS-3 नाम की ग्वार की इस किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों में फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी होता है, और रबी की खेती के बाद ग्वार की खेती कर लेने से फसल चक्र में बदलाव आता है। देश में हर वर्ष गोदामों में हजारों टन अनाज बर्बाद हो जाता है जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फल, सब्जियां और दालों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। गोदामों में होने वाले अनाज के इसी नुकसान को रोकने की कोशिश के चलते उत्तराखंड के किसान ने गोदामों में रखे अनाज को चूहों और कीटों से बचाने के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे बिना रसायनों के इस्तेमाल के अनाज को कम लागत में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक में भंडार गृह में ऑक्सीजन को प्रवेश करने से रोक दिया जाता है जिससे भंडार गृह के कीटों और सूक्ष्म जीवों की श्वसन क्रिया रुक जाती है और ये मर जाते हैं। 100 क्विंटल अनाज भंडारण के लिए मात्र 2300 रुपए में इस यंत्र को बनाया जा सकता है। रसायन मुक्त इस यंत्र को अभी छोटे गोदामों के लिए सफल पाया गया है, लेकिन अगर बड़े गोदामों पर इसका प्रयोग सफल रहा तो देश में हजारों टन अनाज को बर्बाद होने से रोका जा सकेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी जोत वाले किसान सहफसली विधि से खेती करके दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं और इनके वैज्ञानिक लाभ भी ले सकते हैं। किसान अरहर के साथ ज्वार की खेती कर सकते हैं, इससे अरहर में उखटा रोग की संभावना दूर होती है। ज्वार की जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकलता है जिससे अरहर में उखटा रोग नहीं लगता है। आलू, चना, मटर, अलसी और मसूर को गन्ने के साथ बोया जा सकता है। इसमें आलू, मटर, चना आदि को मेड़ों के ऊपर लगाते हैं और गन्ने को नालियों में बोया जाता है। गन्ने की दूरी लाइन से लाइन 8 फीट की रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 2, 4 या 8 फीट रखी जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान स्ट्रॉबेरी के साथ ही मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर के साथ मेड़ों पर सघन रूप से ज्वार, बाजरा या मक्का लगाने से सफेद मक्खी से काफी छुटकारा मिलता है। ऐसे ही टमाटर के साथ गेंदा की पौध लगाने से मित्र कीटों की बढ़ोतरी होती है जो टमाटर को नुकसान नहीं पहुंचाते। पिछले 17 वर्षों से चल रहे शोध के बाद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पंतनगर, मुशहरी और रांची के वैज्ञानिकों ने लीची की चार नई किस्में विकसित की हैं, जिन्हें वंशदासु, कंसबा, योगदा और लौगान नाम दिया गया है। अभी तक लीची की शाही और चाइना नाम की दो किस्में ही थी। 34-35 ग्राम के वजन वाली वंशदासु लीची की फसल मध्यम मौसम में ली जा सकेगी। इसमें गूदा की मात्रा 85% तक होगी। वहीं योगदा एक लेट वैरायटी लीची जो कि 17-18 ग्राम वजनी होगी, इसमें बीजों का आकार काफी छोटा होगा। कंसबा लीची भी एक लेट वैरायटी वाली लीची है जिसमें 40 ग्राम के लगभग वजन होगा। लौगान लीची चारों किस्मों में सबसे मीठी लीची है और इसका वजन 12 ग्राम के आसपास होगा। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भाव की। धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में धान 1375 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1470 रुपए, गोंडा में 1410 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1475 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2210 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2215 रुपए, गोंडा में 2120 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2340 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1890 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1880 रुपए, गोंडा में 1680 रुपए और शाहजहांपुर में 1910 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 6325 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6300 रुपए, गोंडा में 6600 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 6970 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना लखनऊ की मंडी में 8100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 8000 रुपए, गोंडा में 9530 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 8900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका।
गुड़ लखनऊ की मंडी में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,300 रुपए, गोंडा में 3,420 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 525 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 500 रुपए, गोंडा में 510 रुपए, शाहजहांपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 570 रुपए, गोंडा में 780 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज लखनऊ की मंडी में 930 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 950 रुपए, गोंडा में 980 रुपए और शाहजहांपुर में 770 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन लखनऊ की मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,300 रुपए, गोंडा में 1,250 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम आपको नवीनतम जानकारियां तो देते ही रहते हैं खेती की, और इसके लिए अपने विशेषज्ञों के साथ ही हम किसान मेलों का भी भ्रमण करते हैं, और इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप में आयोजित किसान मेले में है। आइए जानकारी लेते हैं क्या नवीनतम तकनीकी है और हमारे किसान भाई कौन कौन से फायदे ले रहे हैं इस किसान मेले में। CSIR द्वारा लखनऊ स्थित कैंपस में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस मेले का आयोजन पिछले 13 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारीगण एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान भी उपस्थित रहे। इस मेले के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंजाब सिंह ने अपने संबोधन में कहा, कई लोग थे जिस समय सवाल आता था कि इतने बड़े देश को कौन खिलाएगा, और हर बार यही जवाब दिया गया, जो भी रहा हो उस समय जैसे भी रहा हो, कि हजारों लाखों करोड़ों किसान जो हमारे देश में हैं वो इस देश को खिलाएंगे और इस देश को बचाएंगे। और तब से लेके आज तक जो देखेंगे, आज जब हम 5 करोड़ टन पैदा करते थे, आज हम 27 मिलियन टन करीब प्रोडक्शन बढ़ाए हैं। न केवल हम अपने लोगों को खिला रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ा देश जो आज सामान बाहर भेज रहा है। तो हम कहने का मेरा सिर्फ अभिप्राय यह है कि साइंटिस्ट, विशेषकर किसान भाई जो हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने इस देश को बचाया और बचाते रहे हैं। और आज नतीजा ये है कि जो हम मांगते थे उसे, हमें कहा जाता है कि जैसे शिप से वो गेहूं उतरता था, लोग दौड़ते थे जैसे भूखे दौड़ते हैं, और कोई नहीं पूछता था गेहूं सड़ा है या कटा है या बर्बाद है, सिर्फ ये देखते थे क्या मिल गया। लेकिन आज हम क्वालिटी भी देख रहे हैं, आज हम खरीद रहे हैं, हमको अवेलेबल है। ये न सिर्फ चावल और गेहूँ, बल्कि फलों में भी, दूध में, मछली में, तो एक ये बहुत बड़ा अनपैरेलल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं विश्व में, इंडिया ने किया है, जिसके लिए हम आप सब वी आर फील प्राउड। हम सब एक अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। ये सारा पॉसिबल हो सका है सिर्फ किसानों की मेहनत से, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी कहा जाए कि जो एक साइंस लैब ग्रुप रहा है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन जहाँ आप बैठे हुए हैं, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बिना साइंस के ग्रोथ संभव नहीं था। जो चावल गेहूँ आप 1 और 1.5 टन पर ख़त्म हो जाते थे, कि 1 एकड़ में 1 टन 1.5 टन से ज़्यादा पैदा करना नामुमकिन होता था, आज वहाँ 15 टन 20 टन। बिहार का किसान कृषि पंडित हुआ जो आपने देखा होगा, 3-4 साल पहले उन्होंने 22 टन चावल 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस किया, 22 टन। वो छोड़ दीजिए आप 7-8 टन और 9 टन 10 टन, तो बड़ा नामुमकिन हो गया है, लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन जो हुआ है, ये मेहनत से किसानों के, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन, ये सब पॉसिबल कर सका है।
विशिष्ट अतिथि कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री प्रदीप भटनागर ने मेंथा के अतिरिक्त हल्दी, स्टीविया, इसबगोल इत्यादि औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने की सलाह दी। याद है लगभग 25 साल पहले 1991 में जब मैं बाराबंकी का कलेक्टर था, तब मेंथा की खेती बाराबंकी में शुरू हुई थी। तब ये स्पष्ट नहीं था कि ये सफल होगी कि नहीं होगी। लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में उन्होंने बोना शुरू किया था, लेकिन आज 25 साल के इस अंतराल के बाद जब मैं देखता हूं कि मेंथा ने कितनी तरक्की की है, न केवल बाराबंकी में बल्कि पूरे प्रदेश में और उत्तर भारत में भी, तो बहुत खुशी होती है। और इसमें जो सीमैप की भूमिका रही है वो अग्रणी रही है। इसके लिए सीमैप के तमाम विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। औषधि से संबंधित फसलों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विदेश में अभी हाल ही में खोज हुई है कि अगर हल्दी का प्रयोग नित्य किया जाए जैसे कि हिंदुस्तान में होता है, तो वहां एक बड़ी बीमारी होती है जिसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज, बुढ़ापे की बीमारी होती है, याददाश्त खत्म हो जाती है। बड़ी व्यापक रूप से फैली हुई है पश्चिमी देशों में। तो वहां यह आविष्कार हुआ है कि हिंदुस्तान में अल्जाइमर डिजीज इतनी कम क्यों होती है, ये खोज हुई है। और उसका कारण यह बताया गया है कि हम अपने रोजमर्रा के खाने में हल्दी का उपयोग करते हैं। एक और वहां खोज हुई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पर ग्राम न्यूट्रिशन है, प्रति ग्राम वजन के हिसाब से जो सबसे पौष्टिक चीज है, जो सबसे पौष्टिक फल है, उसको कहते हैं इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी क्या है? आंवला। तो विदेशों में बड़ी तेजी से इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवले की मांग बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग बढ़ने जा रही है। वो इसलिए बढ़ने जा रही है कि हमारे देश की आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब डायबिटीज इतनी व्यापक रूप से फैल रही है, तो चीनी खाना तो नहीं, लेकिन मीठा खाए बिना भी नहीं रहा जा सकता। तो स्टेविया नाम की एक पौधा है जो बिल्कुल नेचुरल पौधा कहलाया जाता है, और दक्षिण अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है। तो स्टेविया एक ऐसी चीज है, अगर आप दो पत्ता उसका तोड़कर पानी में उबाल लीजिए तो आपको चाय में चीनी डालने की जरूरत नहीं होती। उसकी नेचुरल मिठास इतनी ज्यादा है, कहते हैं कि चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठी चीज होती है स्टेविया। और मुझे खुशी है, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया था, मैंने देखा कि वहां उन्होंने स्टेविया का उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रकाशित स्मारिका औस ज्ञान्या भी किसानों के लाभार्थ जारी की गई, तथा इस अवसर पर तुलसी की एक उन्नत प्रजाति का विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया, तथा किसान मेला में औषधि एवं सगंध पौधों का भी प्रदर्शन किया गया। किसान मेले में हमारे साथ कुछ किसान भाई भी हैं जो इन्होंने जानकारियां भी प्राप्त की हैं, और इसके साथ ही कुछ अपने पौधे लगाने के लिए सामग्री भी ले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने किसान भाइयों से और अनुभव भी लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं देमा शरीफ बाराबंकी से आया हूँ। मेरा गांव हाजी काजीपुर, यही देमा से 4 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है। अच्छा, तो क्या आप जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं सीमैप के साथ जुड़ के? जी जी, 3 साल से पीछे मैं बराबर मेंथा की जड़ ले जाता हूँ और बराबर इससे लाभ मिलता है। जी, अच्छा। तो इस समय औषधि पौधों में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? बस वैसे तो मैं सिर्फ मेंथा का ही काम करता हूँ, और वैसे बाद में आलू का काम है।
लेकिन मेंथा का काम बहुत दिन से कर रहा हूँ, करीब 20 साल से पीछे। आपका शुभ नाम क्या है? राम सजीवन वर्मा सर। कहाँ से हैं? बाराबंकी, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, ग्राम कारी बेटा पड़ता है, तहसील फतेहपुर, विकास। कौन कौन सी खेती कर रहे हैं इस समय? फसल कौन कौन सी आपके? पिपरमिंट, आलू, धान, तीन फसलें होती हैं। पिपरमिंट, आलू, धान। तो यहाँ आप सीमाएं पाए हैं, यहाँ से कुछ आप नई खेती करेंगे अपने यहाँ क्या? अब देख रहे हैं फिलहाल, जो है जैसा कुछ देखेंगे उस हिसाब से, जो है फिलहाल के लिए तो पिपरमिंट की जड़ के लिए आए हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ कुछ महिला किसान बहनें भी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं और आज किसान मेले में आई हैं सीमेप में, और कुछ नई जानकारियां भी ले रही हैं, इसके साथ ही खेतों में उगाने के लिए बहुत सामग्री भी ले रहे हैं। यही बात करते हैं इनसे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमारी है जी। कहाँ से आप आई हैं मेला में? मेरा घर निबाह बाराबंकी, पूरे डलई से। क्या कर रही हैं खेती में इस समय? मैं जो खेती कर रही हूँ इस समय, अभी तो मान लीजिए कि गेहूं बुआई कराए हैं और जीरो टीलेज से है। कुछ मेंथा या कोई जड़ी बूटी की खेती भी कर रही हैं? जी, मेंथा की खेती तो कर रहे हैं। मेंथा की जड़ अभी जड़ खरीदे हैं, तुरंत जड़ लेके जाएंगे तो मेंथा की जड़ करके जो पौधा तैयार करके फिर उसको जो है करेंगे मेंथा। जो हम धान गेहूं की फसल हमारे किसान भाई करते हैं और खास तौर से महिला जो हमारी बहनें हैं बहुत कम खेती के क्षेत्र में हैं, तो उनसे हमारी जड़ी बूटी खेती कैसे अलग है? सर, जो मेंथा की खेती कर रहे हैं वो पहली बात तो हम लाइन से कर रहे हैं, लाइन से लगवा रहे हैं। दूसरी बात, उसमें जो पूसा हाइड्रोजल डलवा रहे हैं, पूसा हाइड्रोजल से जो है उसमें जो है तेल की बढ़ोतरी होती है और उसमें दो पानी की बचत होती है, दो पानी बचेगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है, बाराबंकी से हैं। हम भी खेती का काम कर रहे हैं और इस समय तो हम प्याज की खेती कर रहे हैं। कुछ यहाँ से जानकारी ली आपने, कुछ पौध सामग्री लिया आपने क्या? हाँ, और मैं यहाँ मेंथा की जड़ भी लिए हैं यहाँ मेले में आकर के, और इसके आपने यहाँ नर्सरी डालेंगे और फिर रोपाई करेंगे कि देखेंगे कैसे यहाँ की है। जब मेंथा से तेल निकालने के लिए क्या आपने कोई यूनिट लगाई है या फिर सामूहिक तौर पर कुछ काम करती हैं? हाँ, हम सामूहिक तौर से काम करते हैं। हाँ, गांव की और जो महिलाएं उनका समूह बना के कुछ करते? समूह बना करके हम समूह की और महिलाओं को भी खेती कराते हैं। हाँ, वो नई तकनीकी बता करके उसी माध्यम से हम उनसे करवाते हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंकिता सिंह है, ब्लॉक पूरे डली बाराबंकी से हूँ। मैं भी खेती किसानी के काम करती हूँ और जो है ग्रुप बनाई हूँ और महिलाओं को भी काम करवाती हूँ, उसमें कई सारी महिलाएं खेती का काम करती हैं। मेला में आकर क्या आपको लगता है कि नया कुछ देखा है गांव की खेती से अलग, और क्या हम तकनीकी ले जाके लोगों को सिखा सकते हैं? जी, इसमें ये है, इसमें तो एक जड़ है कि जो है बहुत अच्छी मिलती है, उसमें काफी तेल भी ज्यादा निकलता है और उसमें किसानों को बताएंगे कि यहाँ पे अच्छा जड़ मिलता है और विकास भी ज्यादा होता है तेल वगैरह, और यहाँ पे और सारा ढेर सारी खेती देखे हैं जिसमें काफी मुझे लाभ नजर आया है। प्लस जो है एक क्योंकि जेल आता है जिसको पूछा हाइड्रोजेल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको डालने से 3 या 4 पानी की बचत होती है, प्लस जो है तेल भी बढ़ता है। जी, आजकल लोग कहते हैं कि खेती में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे जागरूक किसान भाई बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी बढ़ रही हैं, खेती कर रही हैं। क्या आपको लगता है खेती को नई तकनीकी से फायदा और बढ़ाया जा सकता है? जी जी, बहुत अच्छे से अगर हम लोग नई तकनीक से खेती करेंगे तो बहुत उसमें फायदा होगा, और जो पुराने किसान कर रहे थे उसमें वो जागरूक आज की नई तकनीक से ज्यादा जागरूक नहीं है। हम लोग दिलाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा उसमें लागत भी कम लगता है, प्लस जो है पैदावार भी अधिक होता है। कहाँ से आप आए हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आप आए हैं, तो आपको कैसे जानकारी मिली कि सीमेप में मेला हो रहा है किसान का? ये सर अखबार में निकला था 15 जनवरी के में कि आप पहले बुकिंग कराएं तो आपको 10 किलो जल का पैसा जो है वो आपको और सबसे पहले दे दिया जाएगा, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आए। अच्छा, तो आज आपने क्या यहाँ से लिया अपने खेती के लिए? ये हमने मेंथा की लिया जी, सिमक्रांति वेराइटी जो है। हाँ, 10 किलो वैरायटी लिया। तो सिम क्रांति की आपको जो प्रजाति है इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? नहीं जी, जानकारी तो नहीं मिली इसकी, लेकिन यह है कि सीम ऐप के द्वारा जब निकली है नई वैरायटी तो इसको हम लगा के देखेंगे, बाकी पुरानी जो वैरायटी है वो हम करते चले आ रहे हैं लगातार। तो क्या ये प्रजाति आपने ली है इससे, इसके लिए कुछ यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे कुछ जानकारी भी ली इसके बारे में? हाँ, मैंने जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे
स्टॉल में देखा कि इसकी दूरी मेंटेन अगर हम कर लेंगे तो वो अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उस हिसाब से हम प्रोडक्शन के हिसाब से ही इस वैरायटी को लेने आए 10 किलो, अब इसका प्रोडक्शन देखेंगे और आगे चल के इसको जो एरिया है वो बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और जो बीज ले जा रहे हैं इससे आपके आसपास के किसान भाइयों को भी मदद मिलेगी, तो इसका मतलब आप सीमैप की तकनीकी भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लोकेन जी, आप कितने क्षेत्रफल पर कर रहे हैं खेती समय मेंथा की? मेंथा की 20-25 बीघा करीब कर रहे हैं। सीमैप में मेला या कोई भी कृषि विश्वविद्यालय मेला लगाता है किसानों का, क्या उसमें लगातार जाते रहते हैं? नहीं, पहली बार जानकारी मिली, ये 15 जनवरी को पेपर में निकाली, उस वजह से हम यहाँ की जानकारी पे आए। तो आपने बीज तो ले लिया है मेंथा का, और क्या नई जानकारियाँ कुछ मिली मेला में? जानकारी जैसे वहाँ पे डॉक्टर वगैरह सभी वैज्ञानिक लोग बता रहे, वो समझ में आई है और अच्छी बात बताई। आपका कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मेरा ब्लॉक मसौली है, विकासखंड मसौली और अनखा विलेज का रहने वाला हूँ मैं। सर सीमैप से कम 4-5 वर्षों से जुड़ा हूँ मैं, यहाँ बराबर आता रहता हूँ और यहाँ से वैज्ञानिकों के द्वारा मुझे जो नई तकनीकी बताई जाती है उन तकनीकी के आधार पर खेती कर रहा हूँ, उनसे मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है। पहले तो वैसे मैं समतल विद से कर रहा था पेपरमेंट की खेती, उसके बाद में जब से मैं यहाँ आना शुरू किया तो मैं मेड़ विद से चालू कर दिया, तो मेड़ विद से मुझे लाभ क्या हुआ, मुझे पानी भी उसमें कम लगता है, खरपतवार भी कम होता है, कीट पतंगे भी कम लगते हैं और पैदावार भी इससे कम से कम 10-15% अधिक होती है। और ये सिमक्रांति जो लेके गए हम लोग यहाँ से, तो इसमें भी कम से कम जो सामान हमारी जितनी ये प्रजातियाँ हैं इनसे उसमें कम से कम 10-15% तेल भी अधिक आता है और इसकी प्रे लगभग वही मान के चलिए आपकी जैसे कोसी के हमारे लोगों की पेपरमेंट की प्रे 85 से 90 दिन में होती है, लेकिन जो सिमक्रांति हमारी वैरायटी है इसको 90 से लेकर 100 दिन में इसकी प्रे की जा रही है, तो इसमें तेल का उत्पादन अच्छा मिलता है। अगर कोई समस्या आपकी आती है फसल उत्पादन में, कोई बीमारी लग गई, तो क्या उसके लिए यहाँ पर आपको तकनीकी या कोई समस्या का समाधान मिलता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक्स हैं, वो हमें उसके बीमारियों के बारे में, कीट लगते हैं उनके बारे में, सारी दवाओं के बारे में हमें अवगत कराते हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम लाभ उठा रहे हैं। भाइयों, अभी हम हैं पौध सामग्री वितरण केंद्र पर सीमैप के, जहां पर किसान भाइयों को सामान दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है पौध सामग्री का जो लगा सकते हैं अपने खेतों पर। आइए देखते हैं क्या दे रहे हैं यहां पर और क्या क्या जानकारियां यहां से दी जा रही हैं। यहां हमारे पास दो मशहूर गुलाब की वेरायटी है, रानी साहिबा और नूरजहां, जो की एसेंशियल ऑयल के लिए ये लगाई जाती है कटिंग्स। इसके अतिरिक्त हमारे पास लेमन ग्रास की स्लिप्स हैं, जो कि लेमन टी वगैरह या कि अलग से एसेंशियल ऑयल यूज किया जाता है, जिसमें कि सोप वगैरह उसके लिए इसमें ऐसे ऑयल निकाला जाता है वो है। इसके अलावा हमारे पास सिट्रोनेला की स्लिप्स हैं, जो कि उसी प्रकार के यूज किया जाता है, इसको बेसिकली मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए इसका ऑयल यूज किया जाता है। हमारे पास खस की स्लिप भी है, खस का जो रूट होता है वो काफ़ी अच्छा ऑयल निकाला जाता है, जिसकी फिक्सेटिव भी प्रॉपर्टी होती है, है ना। इसके अलावा इसका बहुत से डेकोरेटिव, उसकी जड़ों से बनाया जा सकता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाए जा सकते हैं, विशेषकर इसका ऑयल के लिए ही रूट का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये बीज के सामग्री हैं। किस चीज़ का बीज है ये? अश्वगंध, ये इसमें पामरोजा का सीड है। इसके अलावा हमारे पास अश्वगंधा, इसके अलावा सतावर, तुलसी और पामरोजा, ये सब गोल के भी बीज यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं ढेर सारे अश्वगंधा, जिरेनियम, कालमेघ और ब्रह्मी, एलोवेरा और सर्पगंधा, इस प्रकार के कई पौधे हैं जो कि हम किसान भाइयों को उचित दाम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस किसान मेले के अतिरिक्त टाइम में भी यदि आकर किसान भाई संपर्क करें तो उसके लिए भी सुविधा है। तो जो आपके पास सामग्री है किसान भाई लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? या यदि यह स्टॉल पे तो डायरेक्ट हम लोग एक नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तुरंत डिलीवरी भी दे रहे हैं, लेकिन इस अतिरिक्त समय में यदि मेले के अलावा लेना है तो हमको बाहर से ही है एक मतलब काउंटर है जिसपे वो पैसे कुछ जमा करें और अपना सामान ले सकते हैं जो चाहें। किसान भाइयों, तो आपने देखा आज हमने सीमैप में आयोजित किसान मेले का भ्रमण किया, यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे औषधीय फसलों के बीज और इसके साथ ही
बीज सामग्री वितरित की गई और गोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारियां भी प्रदान की गई और आपने भी अपने साथ में अपने साथी किसान भाइयों से अनुभव बांटे और उनसे जानकारियां प्राप्त की। आशा करते हैं कि इन जानकारियों का उपयोग करके आप भी औषधि फसलों को अपनाएंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाते रहेंगे। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों तेजी से बदलाव देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और भी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में संभावना है कि अधिकतम औसत तापमान लगभग 24 से 27 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 9 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।